पर्स में क्या क्या रखा है रिद्धि? पैसा रखा है 10 रुपये, मम्मी और देंगी पैसा मुझे। अरे थैंक यू। हाँ ओके। टुक टुक आपका पर्स। टुक टुक का तो दो पर्स है। टुक टुक के लिए भी एक लेंगे छोटा सा पर्स इस तरीके का। रिद्धि पैर हटाओ लग रहा है। हाय दोस्तों, दीदी दादा से देखो। हाय हाय। इस तरफ से फ्रेम पूरा आ रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोपहर का टाइम है और आज है 22 तारीख। तो यहाँ पे लूडो खेला जा रहा है। ननन जो मेरी है, मेरे हस्बैंड जी, सब लोग बच्चे मिलके वहाँ लूडो खेल रहे हैं। और मैंने यहाँ पे दाल वाली खिचड़ी बनाई हुई थी, दाल चावल, तो वही मैं अर्शदर्श को खिला रही थी टीवी दिखा करके। इसलिए मैंने बैकग्राउंड वाला जो वॉइस है वो मैं कर रही हूँ, जो ओरिजिनल वॉइस है मैंने म्यूट कर दिया। यहाँ पे लोगों का मैच चल रहा था, कौन जीतेगा कौन नहीं। 10-10 रुपये वाला शर्त लगा था बच्चों में और पापा में, ये वाला सिस्टम चल रहा था यहाँ पे। और मैं अपने बच्चों के साथ लगी हुई थी, उनको खाना खिला रही थी, फिर डायरेक्ट मैं यहाँ पे आपसे रात में मिल रही हूँ। ये 22 तारीख का ये व्लॉग है मेरा। बच्चे दोनों रात में सुलाने की कोशिश किया जा रहा था। इस झूले की नाका चुब्बर निकल गया है, तो झूला है नहीं तो बच्चे सो भी नहीं रहे थे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रही हूँ यहाँ पे 23 तारीख को, और दोनों अर्शदर्श को नहला रही थी। वह मालिश हो गया था, मैं नहीं, इनके पापा नहला रहे थे। मालिश करने के आधे घंटे बाद बच्चों को नहलाना होता है, और बच्चे इतना इन्जॉय करके नहाते हैं ना इस समर में कि पूछिए मत। इनको घंटों पानी में रहने के लिए छोड़ दिया जाए तो रह गए, और बड़ा मज़ा आता है दोनों को इस तरीके से नहाने में। रेडी होके हम और मेरे हस्बैंड जी जा रहे हैं, कहाँ वो अभी आपको दिखेगा व्लॉग में। एक चीज़ है और मार्केट जा रहे हैं कुछ लेने के लिए सामान, और बस अर्शदर्श को घर में छोड़ के निशा रिद्धि टुक टुक सब लोग घर ही में हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी अंबिका पे आपका दिल से स्वागत करती। मैं हूँ अंबिका और हस्बैंड जी चलती हैं, जल्दी जल्दी चलो नहीं तो कहेंगे चिल्लाने लग जाएंगे। धूप है इस वजह से मैंने ये वाला कॉटन वाला लिया हुआ है। तो बस मार्केट जाते फिर आपसे मिलते हैं। मुझसे कम नहीं लग रही, ये कॉटन वाला दुपट्टा लिया है मुँह पे बांधने के लिए। धूप बहुत चिल वाली है, तगड़ी वाली धूप है। और ये सूट मैंने ये पहना है क्या येलो, और पैजामे मैंने लगाए हैं पैंट वाइट रंग के। तो आज रंग बिरंगी बनी हुई हूँ, कार्टून से कम नहीं लग सकते। और बहुत तगड़ी वाली धूप है, मार्केट जाना भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़रूरी सामान लेना है। तो चलिए बस गाड़ी निकाल रहे हैं वो, और फिर हम लोग फिर चल चलेंगे। जल्दी 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 सब चीज़ हो रहा है, चलें। बैठने दो, ये मैं बैठ गई और बस हमारी सवारी चल चली। पेड़ की छाँव ना गर्मियों में ना गाय भैंस के लिए काफ़ी सही रहती है, आराम से चिल कर रही है। और कीड़े बहुत भयंकर वाले यहाँ बोलते हैं, जो झिंगुर बोलते हैं इसको। हाँ, फिर बैठ के ब्लॉगिंग करना बहुत टफ होता है। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और लाइक करिएगा, और चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। ये है हमारा पुलिस लाइन का मंदिर, और बस कड़ी कड़ी धूप में निकल पड़े हैं। इस वक्त बज रहे हैं 4:04 बजे। प्रभु जी, प्रभु का नाम लेते हैं और निकल चलते हैं। सोचा मैं कि मुंह पे कवर कर लूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा ऐसे साइड से ओढ़ लेते हैं ज़्यादा सही है। बहुत तगड़ी वाली लग रही है एकदम, क्या बताऊँ। तो थोड़ी ही आगे बढ़ी थी तो आगे दिख रहा है ना मटके, ये जो है कुल्हड़ वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। और इधर साइड जो है ना सुल्तानपुर के हैं आप लोग, तो करौंदिया वाला ये जो रोड है ना, इधर साइड आपको अफोर्डेबल रेंज में कपड़े भी मिल जाते हैं, सूट टॉप वगैरह सब चीज़। तो काफ़ी अच्छा रहता है इस साइड। और बड़ी ज़्यादा भीड़ थी यार, मुझे लगा भीड़ नहीं होगी, बट आज बहुत ज़्यादा रश था मार्केट में, एकदम से पूरा खचाखच भरा हुआ था। और समझ में नहीं आ रहा था क्यों इतना ज़्यादा भीड़ शाम के वक्त में हो रखी है। फिर बाद में समझ में आया मुझे, ओ इस वजह से इतनी भीड़ लगी हुई है। और इधर साइड बस हम लोग चौक की तरफ चल रहे थे, जहाँ हम लोगों को जाना है, जहाँ पे ठठेरी मार्केट करते हैं ना, जहाँ पे बर्तन वगैरह मिलते हैं, बस उधर ही साइड जाना था। तो आगे भी फिर मुझे काफ़ी भीड़ दिखने लग गई। और यहाँ पे आपको अफोर्डेबल रेंज में जो चौक घंटा घर है ना सुल्तानपुर यूपी में, इधर जो साइड में लगाए रहते हैं जूते चप्पल, बहुत ही अफोर्डेबल टोल मोल करके आप जूते अच्छे से 150-200 में ले सकते हैं। तो यहाँ भीड़ लगी हुई
थी। एक्चुअली मैं यहाँ कुछ मिल रहा था और आज था बड़ा मंगलवार कह सकते हैं, हनुमान जी का दिन, तो इसी वजह से हर जगह जगह मुझे लग रहा है ये सब मिल रहा था। तो हम लोगों ने भी उतर के यहाँ पे गर्मियों में जो ये ठंडाई होती है, ठंडाई शरबत मिल रही थी, ठंडाई नहीं बोलते इसको, पना पना जो बोलता है, ठंडा ठंडा पना का शरबत जो गर्मियों में एकदम रामबाड़ होता है, इसका ऑलरेडी मैंने रेसिपी अपने पिछले व्लॉग में डाला हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। तो वो मिल रहा था तो हेल्थ के लिए भी अच्छा था, धूप भी बहुत अच्छी थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो एक एक गिलास पी लेते हैं। और प्रसाद है तो वो प्रसाद पीने में कैसा आना कानी, और काफ़ी मज़ा आया पी के। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ निकले और इधर साइड हम लोगों को काफ़ी लीचियाँ और कह सकते हैं नारियल पानी, एकदम ये जो सुल्तानपुर का है, यूपी का ये जो चौकरी है ना घंटाघर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है, रश मतलब होता है भीड़ भड़ाक का। और साइड में ठठेरी मार्केट वाली रोड पे ना आपको ढेर सारी चीज़ें खाने पीने को भी मिल जाती है। उसके बाद पे क्योंकि हम लोग लेने आए हैं घंटी, घंटा या घंटी जो भी बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड से पंखे की आवाज़ है, मेरा आजकल जो पंखा है ना ऊपर वाला जो है वो बहुत ज़्यादा टट खर इस तरीके से बोलता रहता है, तो उसको माइंड मत करिएगा। तो बर्तन की दुकान में आगे काफ़ी ज़्यादा बर्तनों की ढेरी थी और भीड़ भी थी काफ़ी इनके यहाँ, तो बस हम लोग वेट कर रहे थे और बोल दिया था कि हम लोगों को घंटा दिखा दीजिए, तो घंटा दिखाने के लिए हम लोग वेट कर रहे थे यहाँ पर। और यहाँ पर बर्तनों की ढेरी लगी हुई थी ढेर सारी, एक महिला थी वो ले रही थी कुकर जो कि इंडक्शन पर भी चल जाता है, काफ़ी अच्छा था, 1150 या 1400 ऐसे का ही था, काफ़ी सही लग रहा था मुझे ये कुकर। बट अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक कुकर को भी अफोर्ड कर पाऊँ इस टाइम पे, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो हम लोगों ने मीडियम साइज़ मंगाया था लेकिन वो काफ़ी बड़ा लग रहा था ये वाला तो, और काफ़ी महंगा भी था, तो हमने कहा कि ये वाला नहीं लेते, इससे थोड़ा छोटा वाला लेते हैं क्योंकि हम लोगों को बांधना ही है डाल में, कहते हैं जो जहाँ हमें पूजा में ये चढ़ाना है उसके लिए हम लोग ले रहे थे। फिर ये हुआ कि दूसरा देख लेते, तो हम लोगों ने फिर उसके बाद ये वाला फाइनल कर लिया था, काफ़ी अच्छा लग। खोल पाएंगे टुक टुक इसको? नहीं खोल पाएंगे, क्या गुजर फिर लगा नहीं पाएगी इसको, ऐसे नहीं सिंपल वाला जो टिफिन होता है ऐसे दबा दो, कंपनी को बताइए बस सीधा मॉडल लेगा और आसान वाला भी देखेगा भैया टिफिन, सही बात है। तो साथ ही में स्टील वाली टिफ़िन भी हम लोग देख रहे थे दोनों बच्चियों के लिए अपने, एक्चुअली प्लास्टिक प्लास्टिक वाले में देते हैं ना खाना वगैरह, तो स्टील का सोच रहे थे लेंगे लेकिन इतना महंगा दे रहे थे और बहुत ही उसको खोलने में दिक्कत उक्कत होगा बच्चों को, फिर हम लोगों ने ले लिया है। उसके बाद फिर अब चल रहे हैं प्रसाद वगैरह भी लेकर के जाएंगे, और मेरा मोबाइल टूट गया उसको भी लगवाना है, तो बस आगे की तरफ चल रहे हैं, जल्दी जल्दी काम कर लेना है जो खरीदने आए हैं बस फटाफट से, क्योंकि आज ही हम लोगों को चढ़ाना है ये घंटी और पूजा करने जाएंगे, तो पूरा व्लॉग में दिखेगा आपको। इतनी ज़्यादा यहाँ रश रहती है ना पूछो मत, ये पूरा पूरा ये वाटर गली यहाँ पे महिलाओं के लिए मिलता है पूरा ढेर सारा कुछ है, हमको लग रहा है बड़ा मंगल मंगल है क्या, भंडारा ही बट रहा है हर जगह। तो फाइनली पता चल गया कि हाँ आज बड़ा मंगल है और जगह जगह पे सुल्तानपुर में चाहे दुर्गा पूजा हो चाहे हनुमान जी का कोई भी दिन हो, इस समय ना प्रसाद बहुत बढ़ता है, भंडारा बहुत चलता है। तो यहाँ पे हम लोग फ्लावर वगैरह भी लेने आ गए थे, फूल वगैरह हम भगवान के लिए चढ़ाने के लिए, तो बस दो माला लिया था हमने यहाँ से, और बस यहाँ से लेकर के फिर हम लोग निकल जाएँगे मिठाई के लिए। फूल कितने प्यारे लगते हैं ना, गुलाब भी बहुत पसंद आ रहा था लेकिन नहीं लिया। उसके बाद फिर हम लोग मिठाई की शॉप पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे हमने लिया बूंदी का मिठाई, हनुमान जी को पसंद है ना, तो हनुमान जी के भी मंदिर में जाना था दर्शन करने के, और एक जगह के लिए और भी प्रसाद बनवाना था, वो आगे आपको ब्लॉग में दिखेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो उसके बाद यहाँ पे हमने ये वाली बूंदी की मिठाई पसंद की और उसके जस्ट बगल नीचे जो पेड़ा है वो वाला हमें ये बहुत क्यूट सा लग रहा था, ब्राउन ब्राउन टाइप का, और ये वाली बूंदी हमने कर दी, देसी घी की बूंदी की मिठाई थी तो ज़्यादा नहीं लिया, एक एक पाव ही लिया। भक्ति से चाहे एक पाव छोड़ा चाहे आधा किलो चाहे एक किलो, बात एक ही होती है आपकी भक्ति कितनी है भगवान के प्रति, वो मायने रखता है। और यहाँ पे तो इतनी तरह तरह की मिठाइयाँ थी ना कि पूछो मत, मुंह में इतना पानी आ रहा था, आप लोग मत लाइएगा क्योंकि यार देख के मुंह में पानी आता, टेस्ट का नहीं पता मुझे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर सारी मिठाइयों के दर्शन किए और उसके बाद मैंने फाइनली बूंदी की मिठाई को डन किया और फिर मैंने लस्सी पिया क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी और लस्सी पीने का बड़ा मन कर रहा था। दो महिलाएँ आ गई थी, वो लोग पी रही थी, उनको देख के मेरा भी मन जाग गया था। और ये वाली जो मिठाई होती है ना, ये अमीरों वाली मिठाई देख लीजिए, ये जो पन्नी में रैप उप रहती है भाई, 1200 रुपये किलो, और ये वाली कैसी थी यार, ये पान टाइप का पूछो मत, लेकिन ये दोनों ही महंगी मिठाइयाँ थी। उसके बाद फिर मैंने फ्रिज खोला और अपने लिए लस्सी निकाल लिया, लस्सी भी महंगी थी भाई, 35 रुपये की एक गिलास थी,
लेकिन ठीक थी, ये कह सकते हैं। लेकिन इससे सस्ती ना मेरे पीछे उधर साइड 25 रुपये ग्लास मिलता है, तो मेरे लिए तो मैगी लग रही थी। फिर मैंने इसी को डन किया और हम दोनों पति पत्नी ने इसी में ही पी लिया, क्योंकि उनको पीने का मन नहीं था। वो कह रहे थे लाओ मैं 1-2 चम्मच टेस्ट कर लूँ। 1-2 चम्मच के साथ उन्होंने 5-6 चम्मच टेस्ट कर लिया था। मंगलवार है, हनुमान जी का कोई डे है और जम के हर जगह भंडारा बन रहा है। कुछ जगह तो हम लोगों ने भी खाया, शरबत वरबत पिया। तो यहाँ पे हनुमान जी का रोट का प्रसाद बट रहा था, तो यहाँ पे हमने भी खाया और अपने तीनों बच्चों के लिए भी ले लिया था। मिल गया था हम लोगों को प्रसाद, तो बड़ा टेस्टी लग रहा था। मुँह में पानी मत लाइएगा, लेकिन ज़रूर लाइए यार, सच में बहुत टेस्टी था। उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग आगे निकल गए, तो एक तरफ पूड़ी और सब्जी वगैरह बट रही थी, बड़ा खाना बट रहा था। तो हर एक गरीब का, सबका, जितने लोग भी भूखे थे सबका पेट भरने वाला था ऐसा था। और इतनी भीड़ चल रही थी ना कि पूछो मत। तो आज मंगल है, वार है, बड़ा मंगलवार है, लेट में वीडियो भी जा रहा है मेरा, और तब तक बीत चुका है ये बड़ा मंगलवार। तो बस रास्ते में हनुमान जी के दर्शन भी हो गए, उसके बाद आगे चल रहे हम लोग। इधर साइड रोड बड़ा खाली खाली था, और फिर मेरे पीछे साइड करुणाश्रम हॉस्पिटल है, जहाँ 8 से 10 ट्विंस बेबी मेरे हुए थे। और बस हम लोग बस कुश भवन साइड पहुँच गए हैं, सुल्तानपुर के सड़कों पर घूम रहे हैं। अभी मोबाइल में मुझे ऊपर का जो होता है ग्लास वो चेंज करवाना है, वो वाला भी काम हो जाए, तो उसके बाद फिर बस घर निकलेंगे। भीड़ कई, आज बहुत रश के और जगह जगह भंडारे बट रहे हैं। आज हनुमान जी, बड़ा हनुमान जी है कि मंगलवार का डे है, कुछ है हनुमान जी का मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, और देखा भी नहीं मैंने। जगह जगह भंडारे बट रहे हैं, दो जगह तो हमने भी एक जगह प्रसाद लिया और एक जगह शरबत लिया था। देव जी पेट्रोल पम्प पे पेट्रोल भरवाने के लिए। ये कैसे आम भैया, ये वाले 100 रुपए का दे रहे हैं ये, और वो 60 रुपए ये बोले मुझे। मैं वहाँ साइड थी, पार होकर के इधर साइड आ गए, मोबाइल में मुझे ग्लास चेंज कराने हैं, बट पति देव जी अभी तक नहीं आए हैं। पेट्रोल भरवा रहे, कैसा क्या कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं। सोच रही हूँ अंदर चली जाऊँ, फिर सोच रही हूँ वेट कर लेती हूँ उनका। पूरा इतना गंद मचा रखा है यहाँ पे, तो इसके अंदर जाना है। नीचे साइड में खड़े होकर के इंतज़ार करना भाई साहब, बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद अब आ रहे हैं ये। चलिए फाइनली आए, तो कूड़े में कहाँ खड़ा कर रहे हैं, कूड़े में ही खड़ा कर दिए भाई। चलिए कूड़े से बचते बचाते हम लोग नीचे की तरफ चलते हुए करते हुए पहचान की दुकान पे अपने फोन का पंपलेट बोलते, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? मुझे आ नहीं रहा यार, कितनी गवार हो गई हूँ मोबाइल का। तो मैंने तो अपना ग्लास चेंज करवा लिया था, मैंने अपने ग्लास ना चेंज करने के बाद हस्बैंड जी भी अपना ग्लास चेंज करा रहे थे यहाँ पे। उन्होंने 50 वाला लगवाया था जो ग्लास, और मैंने इतना 100 रुपये वाला लगवा लिया था। इधर साइड ना कवर बड़े अच्छे अच्छे आ गए, मोबाइल के बैक कवर जो होते हैं, बट जो मेरा फ़ोन है जो सेट है ना मेरा मोबाइल का, उसका कवर इस टाइप का नहीं आता है। उसके लिए ना वो वाले टाइप के फ़ोन लेने पड़ेंगे, ओप्पो वगैरह ये सब। मेरा तो नेटफ्लिक्स वाला फ़ोन है ना, इस वजह से। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे और देखते हैं अंदर चलते हैं, सरप्राइज़। ओहो, यहाँ रिद्धि और टुक टुक दोनों हैं, और अर्श दर्श कहाँ हैं, निशा मिल करके यहाँ पे खाना खिला रही थी दोनों लोगों को। और बस अर्श देख कर कितने हैप्पी हो गए ना, मुझे पकड़ लिए थे। दर्श अपने में ही मगन है, गैस का जो होता है ना लटका हुआ जो ढक्कन, उसी को लेकर के हिलाना डुलाना, आलू इधर उधर फेंकना, इसी तरीके से चलता है। चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।